घुघुस परिसर में सांसद बाड़ू धानोरकर के हाथों केंद्रीय मार्ग निधि सन 2021-22 के अंतर्गत लगभग 19 करोड़ रुपए के रास्तों का भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर विधायक किशोर जरगेवार कार्यक्रम के अध्यक्ष थे। वहीं इस भूमि पूजन कार्यक्रम में कांग्रेस ग्रामीण जिलाध्यक्ष प्रकाश देवतले, कार्यकारी अभियंता कुंभे, उप विभागीय अभियंता चंद्रपुर, पूर्व सभापति दिनेश चोखारे, तालुका अध्यक्ष श्यामकांत थेरे, शहर अध्यक्ष राजू रेड्डी, किसान जिलाध्यक्ष रोशन पचारे, पूर्व जिलाध्यक्ष अनुसूचित जाति पवन आगदारी, सामाजिक कार्यकर्ता बसंत सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता प्रमोद मगरे, कामगार नेता सैयद अनवर, इंटक नेता लक्ष्मण सादलावार, श्यामराव बोबड़े, रामपाल वर्मा, ब्रिजेश सिंह, तिरुपति महाकाली, अलीम शेख, मोसिम शेख, शमीउद्दीन शेख, रोशन दंतलवार, इरशाद कुरेशी, रोहित डाकुर, सुकुमार गुंडेट्टी, नूलू सिद्दीकी, सुनील चिलका, रफीक शेख, शाहरुख शेख, बालकिशन कुरसंगे, प्रेमानंद जोगी, लखन हिकरे, जावेद कुरेशी, देव भंडारी, साहिल सैयद, अविनाश गंगुरले, अरविंद चाहते, कुमार रुद्रारप, आरिफ शेख, कपिल गोगला, राकेश डाकुर, चाचा शेख आदि की उपस्थिति थी। इस मौके पर उपस्थितों को संबोधित करते हुए सांसद बाड़ू धानोरकर ने कहा कि चंद्रपुर जिले का घुघुस यह एक औद्योगिक शहर है और देश के अनेक राज्यों के लोग यहां पर बड़े पैमाने पर रहते हैं। पिछले अनेक वर्षों से यहां पर भाजपा की सत्ता थी और सत्ता से संबंधित लोग आगे बड़े पद पर गए, मगर शहर का विकास नहीं हुआ। इस विघ्न संतुष्ट लोगों की वजह से घुघुस के विकास में विघ्न हुआ, जिसके कारण शहर के सर्वांगीण विकास के लिए कांग्रेस पार्टी के पीछे सभी लोग विश्वास पूर्वक खड़े रहकर विघ्न संतुष्टी लोगों को दूर रखें। साथ ही सांसद बाड़ू धानोरकर ने आगे कहा कि महाविकास आघाड़ी सरकार ने घुघुस शहर के विकास के लिए अनेक निर्णय लिए, जिसमें रेलवे पुल, नई नगर परिषद इमारत, शासकीय रुग्णालय के साथ अन्य विकास कामों का समावेश है और आगे भी राजनीति न करते हुए घुघुस शहर के सर्वांगीण विकास के दृष्टिकोण से काम किया जाएगा। इस मौके पर अन्य मान्यवरों ने भी अपना मनोगत व्यक्त किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नागरिकों की उपस्थिति थी। सीटीवी के लिए हमारे विशेष प्रतिनिधि वैभव व्यारकर की रिपोर्ट।